गुड मॉर्निंग एवरी वन होप यू ऑल मस्ट बी डूइंग ग्रेट आज हम लोग शुरू करेंगे लास्ट राउंड रिविजन फॉर द चैप्टर पी जी बी पी ठीक है ऑलमोस्ट काफी सारे कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ठीक है एक दो कंसेप्ट अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं हो पाए तो मैं चाहूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूँ एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू हैव टू टेल मी कि हाउ यू आर एक्चुअली फाइंडिंग दिस क्लासेस देखिए इस क्लासेस का मोटिव ये नहीं है कि मैं आपको सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करूँगा ये रेगुलर क्लास नहीं है बट द मोटिव हेअर इज़ कि आपको लास्ट राउंड रिविज़न आपको लास्ट स्टेज पर अपने एग्जाम्स जब बिल्कुल पास आ जाएँ तो आपको रिवीजन आप कितना जल्दी कर पाएँ आपको कंसेप्ट याद आ जाएं आप उसको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में अप्लाई कर पाएं विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी बेनिफिशियल ठीक है आपके एग्जाम्स आप में एग्जाम्स में आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा आपके बहुत अच्छे मार्क्स आप ग्रैप कर पाएंगे ठीक है तो यू हैव टू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं और इनफैक्ट अगर इसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीजें आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई हैं दैट दे रिक्वायर चार्ट रिविजन फॉर टी और जी के भी लेक्चर्स तो येस आई नो दैम मैं कोशिश करूंगा कि मैं बहुत जल्दी प्रोबेबली इसी वीक में मैं ये सारी चीज़ें आपकी पूरी कर पाऊँ नेक्स्ट आई विल डू कैपिटल गेन कैपिटल गेन के बाद फिर हम दो इंपॉर्टेंट चैप्टर कर लेंगे पहले इनकम टैक्स के दैट इज करने के बाद मूव टू जी एस टी पोर्शन तो मैं कोशिश करूंगा कि इस वीक के अंदर विद इन फाइव सिक्स डेज आपके मैक्सिमम रिविजन में आपको वीडियो अपलोड कर, कर दे पाऊं ठीक है बट प्लीज डू लेट मी नो चलिए जी शुरू कर ते हैं क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग डिस्कस करेंगे आज ठीक है टोटल फाइव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ़ पी फर्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप पार्टनर हैं किसी पार्टनरशिप फर्म में और रेमेंडोरेशन मिलती है आपको वहाँ से तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है डेप्रिसिएशन के बारे में बातें करेंगे कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है डेप्रिसिएशन फोर्टी बी का कंसेप्ट कुछ एक्सपेंसेस जो अलाउड होते हैं एक्चुअल पेमेंट पर ही अगर आपने उसकी एक्चुअल पेमेंट नहीं की है तो वो अलाउड नहीं किए जाएंगे और कैश पेमेंट टेन थाउजेंड से ज़्यादा डिसअलाउ होती है तो उसके बारे में हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन में देखेंगे नंबर वन में क्वेश्चन नंबर टू में और थ्री में मैं दोनों में डिस्कस करूंगा प्रजेंटिव इनकम के बारे में क्वेश्चन नंबर टू रहेगा फोर्टी फोर ए डी के बारे में जहां पर हम सिक्स परसेंट और एट परसेंट लेते हैं और फोर्टी फोर ए में के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर थ्री डिस्कस करेंगे ठीक है जो आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल का होता है क्वेश्चन नंबर फोर में मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि कभी कभी हमारे एग्जाम्स में आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं दिया होता इनफैक्ट रिसेट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है एक तरीके से कैश बुक दी होती है कि हमें कौन कौन से पैसे रिसीव हुए हैं और कौन कौन सी हमने पेमेंट की है तो हमें उसमें से अपना पी जी की इनकम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए ठीक है और कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फाइव में मैं एडिशनल डेप्रीसिएशन के बारे में बातें करूंगा सेक्शन थर्टी फाइव साइंटिफिक रिसर्च के बारे में भी बातें करूंगा कुछ और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो प्रैक्टिकल इस पांच क्वेश्चन में अगर कवर नहीं हो पाए तो मैं कोशिश करूंगा कि एक बार बहुत जल्दी से आपको वो थ्रू करा ओके लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर वन इट सेज मिस्टर सोमेश एज फिफ्टी ईयर्स आर रेसिडेंट इंडिविजुअल एंगेज होलसेल बिजनेस ऑफ हेल्थ प्रोडक्ट्स ठीक है होलसेल बिजनेस में ये इन्वॉल्व है ही इज ऑल्सो अ पार्टनर इन एक्सवाइजेड कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म देखिए मिस्टर सोमेश का खुद का एक अपना बिजनेस है जहां पर ये मेनली सोल प्रोपराइटर होंगे और इनका एक दूसरा भी बिजनेस है जहां पर ये पार्टनर हैं ठीक है ही इज़ अ पार्टनर इन एक्स वाई जेड कम एंड कंपनी और हमें पता है कि एक्स वाई जेड पार्टनरशिप फर्म से जो इनको रेमंडोरेशन मिलती है वो भी इनकी पी जीवी पी की इनकम होती है सेक्शन ट्वेंटी एट आपको चार्जिंग सेक्शन भी याद होगा मैं आगे लास्ट में एक बार रिकैप भी करा दूंगा सेक्शन ट्वेंटी एट चार्जिंग सेक्शन में बट वहां पर यह आता है कि अगर आपको रेमंड्रेशन मिल रही है पार्टनरशिप फर्म से तो दैट बिकम्स योर पी इनकम क्या हमें अगर सैलरी मिलती है फर्म से तो वो सैलरी इनकम होती है पी जी एज अ पार्टनर अगर मिलती है तो पी की इनकम होती है और पार्टनरशिप फर्म्स का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है ठीक है पार्टनरशिप फर्म के ऊपर थर्टी परसेंट टैक्स लगता है हम लोग जानते हैं उसके बाद जो उसका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में दैट इज एक्जेंट वो टैक्सेबल नहीं करते बट हाँ कुछ जो पार्टनरशिप फर्म ने एक्सपेंसिस क्लेम किया था लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स या बोनस या कमीशन या सैलरी टू पार्टनर्स वो सब पार्टनर की इनकम बनती है वो भी हमें देखना है

पी की इनकम होती है बट सिर्फ उतनी ही होती है जितना वो पार्टनरशिप फर्म को अलाउ होता है पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में अगर ये एक्स वाई जेड अगर मैं एक्स वाई जेड एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है अच्छा एंड कंपनी लिखा हुआ क्या है क्या ये कंपनी है नहीं कंपनी तो पीछे लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वगैरह होता है ठीक है ये तो एक पार्टनरशिप फर्म है एक्स एक्स वाई वाई जेड एंड एसोसिएट्स एक्स वाई जेड एन सन्स एक्स वाई जेड एंड कंपनी ये सब पार्टनरशिप फर्म है ओके एक्स वाई जेड एंड कंपनी की बुक्स में जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होता है जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बनती है तो प्लीज बताइए क्या लेते हैं मैक्सिमम 12 परसेंट होता है तो पार्टनरशिप फर्म की बुक्स में सिर्फ ट्वेल्ल परसेंट ही ट्वेल्व परसेंट आप इजीली निकाल सकते हैं 15 के बराबर है। तो आप ट्वेल्व परसेंट के बराबर कितना होगा वन लाख फिफ्टी थाउजेंड 12 इंटू ट्वेल्व करेंगे तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड आएगा तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड फर्म के बुक्स में अलाउ किया जाएगा और वही पार्टनर की इनकम बनेगी तो क्या पार्टनर की इनकम बनाए नहीं 1, 20, बनाएंगे। profit, अभी मैं कर रहा था तो एक्समट होता है रिसीवर के हाथों में तो प्लीज मिस्टर सुमेश की इनकम मत बनाइएगा थर्टी फाइव थाउजेंड दिस इज जस्ट शेयर ऑफ प्रॉफिट ठीक है इस पूरे अमाउंट के ऊपर बिफोर टैक्स फर, फर्म ने थर्टी परसेंट का टैक्स दिया है अब तो पार्टनर दोबारा इसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे ठीक है सैलरी एज वर्किंग पार्टनर अब देखो वर्किंग पार्टनर लिखा हुआ है वी अंडरस्टैंड ठीक है अगर आपको याद आ रहा होगा जब हम सेक्शन फोर्टी स्मॉल बी करते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में तो वहां पर लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सभी पार्टनर्स को अलाउड होता है वेदर दे आर वर्किंग ऑन नॉन वर्किंग हाँ सब्जेक्ट टू मैक्सिम ट्वेल्व परसेंट ज्यादा नहीं करते बट रेमरेशन लाइक सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर्स सिर्फ और सिर्फ वर्किंग पार्टनर्स को अलाउड है नॉन वर्किंग पार्टनर्स को अलाउड नहीं है यानी कि एक्स वाई जेड एंड कंपनी जो पार्टनरशिप फर्म है एक्सफेजेड एन कंपनी इसकी बुक्स में हम वर्किंग पार्टनर्स को जो रेमड्रेशन दिया है वो अलाउ करेंगे यानी कि वो फर्म का एक्सपेंस माना जाएगा अगर फर्म का एक्सपेंस माना गया तो इनकम बनेगी पार्टनर की तो ये सैलरी एज वर्किंग पार्टनर ये हमारी इनकम बन जाएगी सुमेश की इनकम बन जाएगी तो सुमेश की इनकम, तो सुमेश की इनकम वन फ, आ, फिफ्टी में से वन ट्वेंटी बनेगी और ये वन लाख बनेगा थर्टी फाइव थाउजेंड नहीं बनेगी आई बिलीव ये बात आपको याद आ गई होंगी आगे तो ये तो बातें दी गई थी पार्टनरशिप फर्म से हमें क्या क्या मिलता है नेट प्रॉफिट फ्रॉम होल सेल बिजनेस अब इनका एक होल सेल बिजनेस भी है जहां पर ये मेन सोल प्रोप्राइटर ही हैं वहां से इनका नेट प्रॉफिट आता है फाइव लैक्स सिक्सटी थाउजेंड तो ये इनकी बिजनेस इनकम हो गई बट इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी गई है नेट प्रॉफिट जब निकाला फाइव सिक्सटी तो अमाउंट डेबिटेड इंक्लूड द फॉलोइंग तो कुछ एक्सपेंसिज मान रखे थे हमने कौन कौन से डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स इतना अमाउंट मोटर कार एक्सपेंसिज इतना अमाउंट म्यूनसिपल टेक्सेज फॉर द शॉप सेवन थाउजेंड रुपीज पहले सिर्फ इसके बारे में याद करिएगा डेशन डेप्रीसी एक अलावेबल एक्सपेंस होता है ठीक है अगर वो कैलकुलेट किया जाता है एस पर सेक्शन थर्टी टू थर्टी टू के अकॉर्डिंग वो अलावेबल एक्सपेंस होता है इनकेस अगर डेप्रीसिएशन के बारे में आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा फॉर एग्जाम्पल तो फिर हमेशा हम ये एज्यूम करते हैं कि यही जो एस पर बुक्स है वही एस पर थर्टी टू होगा तो उस केस में हम एज्यूम करते हैं अगर हमें डेप्रीसी के बारे में आगे क्वेश्चन में कुछ भी मैंशन नहीं किया गया ठीक है कोई भी इंडिकेशन नहीं दी कि डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होता है या डेप्रिसिएशन एज पर सेक्शन 32 डायरेक्टली भी नहीं दिया गया तो उस केस में तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज पर बुक्स ही सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग है तो फिर हम इसको अलाउ कर देंगे बट अगर आगे क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पर हमसे डेप्रिसिएशन या तो हमें डायरेक्टली दिया होता है एज पर सेक्शन थर्टी टू या फिर हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला होता है तो अगर इन केस अगर हमें डेप्रिसिएशन दिया हुआ है या कैलकुलेट करने के लिए बोला हुआ है यानी कि एज पर सेक्शन 32 क्वेश्चन चाहता है हम कैलकुलेट करें उस केस में फिर हम ये डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स डिसअलाउ कर देते हैं फिर हम वही डेप्रिसिएशन अलाउ करते हैं जो एज पर सेक्शन थर्टी कैलकुलेट होकर आता है ठीक है तो आगे देखेंगे डेप्रिसिएशन के बारे में अगर कुछ नहीं दिया होगा तो ये अलाउड है बट अगर डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ दिया होगा तो फिर इसको डिसअलाउ करेंगे और उसको अलाउ करेंगे जिसको हम कैलकुलेट करेंगे मोटर कार एक्सपेंसेस, मोटर कार एक्सपेंसेस, यू अंडरस्टैंड इट्स एन अलावेबल बिजनेस एक्सपेंस म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ द शॉप ठीक है इनके बिजनेस के म्यूनिपल टैक्सेस हैं अलाउड होते हैं सर ये तो हाउस प्रॉपर्टी में अरे हाउस प्रॉपर्टी में वो चीज़ें नहीं आती जो बिजनेस में यूज होती हैं तो ये एक इनकी बिल्डिंग है शॉप है जो अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं आपको पता है उससे रिलेटेड एक्सपेंसेज भी अलाउड होते हैं अगर आप उसे सेक्शन भी पूछेंगे तो सेक्शन थर्टी है अगर आपको याद आता है आँग आँग तो अच्छी बात है नहीं भी आता तो इट्स ओके बट यू शुड नो द प्रोविजन सेक्शन थर्टी में अलाउड होता है ठीक है म्यूनसिपल टैक्सेस ऑफ शॉप बट यहाँ पर देखिए म्यूनिपल टैक्सेस म्यूनसिपल है होते हैं, taxes, एक सेक्शन आता है, बहुत है 43B, 43B के बारे में जानते हैं, आप एक्सपेंसेस अलाउड ओनली पांच छह तरह के एक्सपेंसेस आते हैं वो कहते हैं कि इर ऑफ द मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय द अस एसी किसी भी तरीके से मेथड ऑफ अकाउंटिंग कर रहा है चाहे वो मर्केंटाइल सिस्टम से कर रहा है चाहे वो कैश बेसिस पे कर रहा है कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ हम अगर हमने एक्चुअली पे करे हैं तभी अलाउड होंगे ठीक है एक्चुअली पेमेंट के बेसिस पर और पे भी कब तक करे हो या तो ड्यूरिंग द ईयर कर दी हो तो तो भी अच्छी बात है मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर करें हो तो भी हम अलाउ कर देंगे इनफैक्ट अगर आपने वो आर की ड्यू डेट से भी पहले पहले कर दी है तो भी हम अलाउ कर देते हैं इस साल ठीक है तो फोर्टी बी में कुछ एक्सपेंसिस या आपको याद आते हैं ठीक है फुल लिस्ट होती है एनी टाइप ऑफ टैक्सेस ठीक है बोनस टू एम्प्लॉयज इंटरेस्ट टू बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह तो फोर्टी थ्री बी में हम लोग कुछ एक्सपेंसिस आते हैं जो हम अलाउ करेंगे अगर वो एक्चुअली पे हुए हैं अप टू ड्यू डेट ऑफ आर ओ आई अब ड्यू डेट ऑफ आर ओ आई क्या होती है या तो थर्टी फर्स्ट जुलाई होती है ऑफ असेसमेंट ईयर अगर अकाउंट्स वगैरह ऑडिट वगैरह होते हैं तो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर हो गई है ठीक है थर्टी फर्स्ट अक्टूबर हो गई है और एक थर्टी नवंबर भी होती है मेनली थर्टी नवंबर आपको करना नहीं है वो उनकी बुक्स में होती है जिनके बुक्स में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वगैरह होती हैं बट मेनली यू शुड नो थर्टी फर्स्ट जुलाई और थर्टी फर्स्ट अक्टूबर ठीक है अब वो डिपेंड करता है कि आ, हमारी ड्यू डेट क्या है तो जो भी हमारी ड्यू डेट है अगर हमने उससे पहले पेमेंट कर दी है तो अलाउड है ठीक है तो अलाउड होगा वो एक्सपेंस अदरवाइज अगर हमने ड्यू डेट तक पेमेंट नहीं किया तो अलाउड नहीं होगा ठीक है अच्छा देखिए म्यूनिस्पल टैक्सेस के बारे में क्या दिया गया फॉर टू हाफ़ ईयर्स टू हाफ ईयर्स मतलब सिक्स सिक्स मंथ्स के दिए गए थे ये सेवन थाउजेंड एक्चुअली छः छः महीने का साढ़े तीन हज़ार साढ़े तीन हज़ार होगा फॉर टू हाफ ईयर्स हाफ ईयर्स मतलब सिक्स मंथ्स और सिक्स मंथ्स वो भी टू मतलब टू इंटू सिक्स मंथ्स दिया गया है पूरे साल का ही डेटा बट साफ साफ बोला हुआ है कि एक्चुअली ये छः छः महीने में हमारे पास म्यूनिपल टैक्सेस आते होंगे हमें पे करने होते होंगे पेमेंट फॉर वन हाफ ईयर मेड ऑन 12 सेवन ट्वेंटी वन ट्वेल्व सेवन ट्वेंटी वन को हमने आधी पेमेंट कर दी ठीक है वन हाफ की कर दी यानी कि थर्टी फाइव हंड्रेड की हमने पेमेंट कर दी 12 सेवन ट्वेंटी वन को अब देखो 12 सेवन ट्वेंटी वन देखिए कौन सी डेट है हमारा प्रीवियस ईयर है ट्वेंटी ट्वेंटी वन यानी कि इसकी लास्ट डेट कौन सी होती है थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन प्लीज़ मुझे बताइए क्या हमने ये साढ़े तीन हजार की जो फर्स्ट पेमेंट की है क्या वो थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन तक किए द आंसर इज नो सर थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी वन तक नहीं की उसके बाद की है कब की है ट्वेल्थ जुलाई को ठीक है अब मान लेते हैं कि हमारी ड्यू डेट चाहे वो थर्टी फर्स्ट जुलाई थी या थर्टी फर्स्ट अक्टूबर थी ठीक है उससे पहले तो हो ही गई ना अगर उससे पहले वाली डेट भी लेके मैं थर्टी फर्स्ट जुलाई भी लेता हूँ अगर मान लेते हैं हमारी ड्यू डेट थर्टी फर्स्ट जुलाई भी है तो उससे पहले हमने पेमेंट ये कर दी यानी कि थर्टी फाइव हंड्रेड तो इसमें से अलाउड होगा

उसके बाद में जाकर पेमेंट हुई है यानी कि इस साल तो ये अलाउड नहीं होगा तो इसमें से इस सेवन थाउजेंड में से हम फर्स्ट वाला थर्टी फाइव हंड्रेड जो पे हो गया वो तो अलाउ कर देंगे बट सेकेंड वाला थर्टी फाइव हंड्रेड ड्यू डेट तक पे नहीं हुआ था इस साल वो अलाउ नहीं होगा ठीक है वो कब अलाउड होगा जब वो एक्चुअली पे हो जाता है फिर वो नेक्स्ट ईयर हम लोग कर देंगे बट इस साल तो डिसअलाउ करेंगे इसमें से ठीक है तो अभी तक ये तीन चीज़ें पढ़कर मुझे क्या समझ में आया डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स को हम देखेंगे कि आगे डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ दिया हुआ है या नहीं मोटर कार एक्सपेंसेस जनरली बिजनेस एक्सपेंस है अलाउड हो जाएंगे म्यूनिपल टैक्सेस ऑफ बिल्डिंग में पता चल गया कि थ्री तो अलाउड नहीं होंगे सैलरी टू मैनेजर एक और खर्चा दिया गया सैलरी टू मैनेजर बाय वे ऑफ सिंगल कैश पेमेंट ट्वेंटी एक सेक्शन याद आ गया होगा अगर सेक्शन का नंबर याद आ गया तो बहुत अच्छी बात है अदरवाइज प्रोविजन तो याद आ गया होगा फोर्टी एट थ्री में क्या लिखा हुआ है कि टेन थाउजेंड से ज्यादा की आप कैश पेमेंट नहीं कर सकते सिंगल डे में सिंगल पार्टी को तो यहां पर ट्वेंटी वन थाउजेंड की कर दी पूरा का पूरा अलाउ कर देंगे ट्वेंटी वन थाउजेंड अलाउ नहीं होगा यानी कि नेट प्रॉफिट जो हमें दिया गया फाइव लैख सिक्सटी थाउजेंड में का जब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे अपनी कैलकुलेशंस करेंगे तो ट्वेंटी as अब देखिए डेप्रीसिएशन के बारे में अब इंफॉर्मेशन आ गई है साफ साफ डब्ल्यू डीवी ऑफ दिया ओपनिंग डब्ल्यू इस साल का दे दिया यानी कि अब हमें डेप्रीसिएशन कंप्यूट करना पड़ेगा तो ये डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स डिसअलाउ करेंगे और अपना डप्रिसिएशन जो कंप्यूटर हम करके आएंगे उसको अलाउ करिएगा कंप्यूटर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन का रेट होता है 40 परसेंट ठीक है कंप्यूटर्स हुआ या बुक्स हुआ इसके ऊपर फोर्टी परसेंट इवन एनुअल पब्लिकेशन हुआ ऑफ बुक्स फोर्टी परसेंट का डेप्रिसीन का रेट है कंप्यूटर्स के ऊपर फोर्टी परसेंट में फोर्टी अच्छा याद है आपको सैलरी में जब हम सैलरी करते हैं और परक्यूजेट की वैल्यू निकालते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंप्यूटर खरीद लिया एम्प्लॉयर से तो उस केस में कंप्यूटर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन 50 परसेंट लगता है वो सैलरी है एट द टाइम ऑफ कैलकुलेशन ऑफ परक्यूज बट यहाँ पर ये पी में जब हम किसी भी बिजनेस एस का डेप्रिसिएशन निकालेंगे कंप्यूटर्स एंड ऑल तो उसके ऊपर 40 परसेंट का डेप्रिसिएशन 50 नहीं 40 रहेगा उसके ऊपर तो कंप्यूटर्स के ऊपर 40 परसेंट का डेप्रिसिएशन रहेगा कंप्यूटर प्रिंटर के ऊपर भैया फोर्टी परसेंट ले सकते हैं अच्छा प्रिंटर के ऊपर ना कुछ लोगों का मानना यह है कि उसके ऊपर प्रिंटर के ऊपर एक नॉर्मल मशीन है वो कंप्यूटर्स नहीं है तो फिफ्टीन परसेंट ले सकते हैं प्रिंटर के ऊपर कुछ लोगों का मानना नहीं है नहीं ये तो कंप्यूटर का ही पार्ट है तो इसके ऊपर फोर्टी परसेंट लेना है दोनों ही ठीक हैं ठीक है तो प्रिंटर्स के को आप फोर्टी परसेंट में माने या फिफ्टीन परसेंट नॉर्मल प्लांट मशीनरी का रेट लगाएं बोथ आर एक्सेप्टेबल ठीक है बोथ आर एक्सेप्टेबल कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पर अपनी एजम्पन दे दीजिएगा आप जो भी कर रहे हैं

क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर वो हमने यूज़ किया ठीक है वहाँ पे एक्वायर्ड लिखा है तो एज्यूम करते हैं पुट टू यूज़ भी सेम डेट पर किया गया होगा तो 50 परसेंट निकालिएगा ये तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा कार के ऊपर बट इसमें से भी आप 20 परसेंट हटा दीजिएगा और 80 परसेंट को ही कंसिडर कीजिएगा

ठीक है अब यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर सुमेश फसेसमेंट ई ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू एंड द क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी फॉर द ईच ब्लॉक तो दो चीज़ें निकालनी है एक तो सुमेश की हमें इनकम निकालनी है और हमारी क्लोजिंग डब्ल्यू डी व्या बचेगी क्लोजिंग डब्ल्यू डी भी मैं आपको बता दूँ पहले बात तो कंप्यूटर्स और कंप्यूटर प्रिंटर का टोटल कर दीजिए ठीक है एक ही ब्लॉक में आएगा फोर्टी परसेंट में इसमें से इसका फोर्टी परसेंट डिप्रिसिएशन निकाल दीजिएगा और माइनस करने के बाद आपका क्लोजिंग डब्ल्यू डी वी आ जाएगा मोटर कार का कैसे करेंगे इंपॉर्टेंट बात है मोटर कार का कैसे करेंगे सिक्स लाख एटी थाउजेंड के ऊपर अभी आपने डेप्रीसिएशन निकाला होगा कैसे निकाला होगा इसका फिफ्टीन परसेंट और उसका भी हाफ क्योंकि वन एट्टी डेज से ज्यादा यूज नहीं हो रही है ये ठीक है उसका भी हाफ कर देंगे और उसका एटी परसेंट उसका एटी परसेंट आप निकाल दीजिएगा इतना डेप्रिसिएशन और जितना भी डेप्रिसिएशन आएगा सिक्स एट्टी में से माइनस कर दीजिएगा ये आपकी क्लोजिंग डब्ल्यू डी भी आएगी ठीक है क्योंकि पर्सनल डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं होता ठीक है सिर्फ ऑफिशियल बिजनेस यूज वाला माइनस करेंगे अब देखिए देख लीजिए कैलकुलेशन या प्रेजेंटेशन मैंने कैसे की हुई है तो इनकी दो बीजीबीपी की इनकम आ रही है एक तो खुद के अपने बिजनेस से होलसेल बिजनेस और दूसरा जो इनका पार्टनरशिप फर्म से जो इनको प्रॉफिट्स वगैरह मिलते हैं उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है इनकम फ्रॉम होलसेल बिजनेस होलसेल बिजनेस की इनकम बता दीजिएगा नेट प्रॉफिट फाइव गिवन था डेप्रीसिएशन एज पर बुक्स एड बैक करेंगे क्योंकि हमें है कि हम अपने डेप्रीसिएशन अपना कैलकुलेट करेंगे एज पर से फर्स्ट हाफ के थर्टी फाइव हंड्रेड अलाउ करे बट सेकेंड हाफ के डिसअलाउ करे 43B, 43B, अगर आपको सेक्शन याद रहेगा तो बहुत अच्छा है इनफैक्ट अगर सेक्शन नहीं रहेगा सिंपल तो okay. लिख दीजिएगा इट इज नॉट पेड टू ड्यू डेट ऑफ आर ओ आई और फिर फोर्टी ए थ्री में हमने ट्वेंटी वन थाउजेंड जो कैश में पे कर दिया वो डिसअलाउ करेंगे ठीक है और पर्सनल एक्सपेंसिस रिलेटेड टू कार कार से रिलेटेड पर्सनल एक्सपेंस एट थाउजेंड ये बैक करेंगे तो आपके इतने सारे एक्सपेंसेस ऐड बैक हो जाएंगे उसके बाद आएगा आपका सिक्स लाख ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड एडबैक करके और फिर डेप्रिसिएशन जितना आपका आया वो अलाउ कर देंगे ठीक है पक्का सबको समझ में आएगा डेप्रीसी का एक बार मैं वर्किंग नोट दिखा देता हूँ आपको कंप्यूटर कंप्यूटर प्रिंटर के ऊपर ओपनिंग डब्ल्यू इतना था डेप्रिसिएशन फोर्टी ठीक है चार्ज हो जाएगा तो वन लाख फिफ्टी सिक्स थाउजेंड तो डेप्रिशन आया कंप्यूटर कंप्यूटर प्रिंटर के ऊपर अच्छा इसकी क्लोजिंग कितनी बच गई थ्री नाइनटी माइनस वन फिफ्टी सिक्स टू थर्टी फोर मोटर कार के ऊपर ओपनिंग डब्ल्यू डी भी तो कुछ नहीं था क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर ही एक्वायर किया गया और कोई हमारे पास ब्लॉक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी एडिशन ड्यूरिंग द ईयर सिक्स लाख एटी थाउजेंड की कार एक्वायर की है उसमें से डिप्रिसिएशन आएगा फिफ्टीन परसेंट बट फिफ्टी परसेंट का हाफ कर लेंगे फिफ्टी परसेंट ठीक है यानी कि सेवन पॉइंट फाइव परसेंट और जो भी इसका सेवन पॉइंट फाइव परसेंट आएगा उसमें से ट्वेंटी परसेंट पर्सनल यूज वाला भी माइनस कर लेंगे तो फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड आपका कार के ऊपर डिप्रीएसन आ गया और इसकी क्लोजिंग डब्ल्यू डी आ गई सिक्स एट्टी माइनस फॉर टी तो सिक्स थर्टी नाइन टू हंड्रेड इसकी क्लोजिंग डब्ल्यू अच्छा डेप्रिएशन कितना आया वन फिफ्टी सिक्स कंप्यूटर्स वगैरह के ऊपर फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड कार के ऊपर तो ये दोनों डेप्रिसिएशन हम लोग अलाउ करेंगे तो यही हमने डेप्रिसिएशन अलाउ करा हुआ है वन फिफ्टी सिक्स और फोर्टी थाउजेंड एट हंड्रेड का तो पीजीबीपी की इनकम आती है फ्रॉम होलसेल बिजनेस फोर लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड दूसरी पी की इनकम आ रही है इनकी जो पार्टनरशिप फॉर्म से इनको रिसीव हो रहा है तो एक तो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिला बट उसको तो हम एक्जेंट कर देंगे ठीक है वो तो एक्जेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम पार्टनरशिप फॉर्म अब मैंने इंटरेस्ट के बारे में आपको बताया था कि हमें फिफ्टीन परसेंट मिल रहा है बट फिफ्टीन परसेंट हम टैक्स नहीं देंगे उसके ऊपर हम सिर्फ ट्वेल्व परसेंट ही लेंगे क्योंकि फर्म के लिए ठीक है फर्म के लिए सिर्फ ट्वेल्व परसेंट ही मैक्सिमम अलाउड होता है ठीक है याद आ गया वो बात और सैलरी टू वर्किंग पार्टनर भी हमारी इनकम बनेगी क्योंकि ये एक्सपेंस फर्म के लिए अलाउड था वर्किंग पार्टनर का एक्सपेंस अलाउड होता है फर्म के लिए इसलिए वर्किंग पार्टनर की वो इनकम बन जाती है बट ये नॉन वर्किंग पार्टनर होता तो फर्म के लिए अलाउड नहीं होता फर्म का एक्सपेंस नहीं माना जाता मतलब पूरा का पूरा टैक्स फर्म के ऊपर ही लगता फिर नॉन वर्किंग पार्टनर इसके ऊपर टैक्स नहीं देता अगर ये नॉन वर्किंग पार्टनर होते ना फिर मैं इसको नहीं लेता

मिनिमम एट परसेंट से कम नहीं कर पाएंगे अपनी प्रेजम्पटिव इनकम बट अगर हमने ऑनलाइन पेमेंट्स ली हैं ठीक है ई के थ्रू गई है ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स हुई हैं तो हम सिक्स परसेंट मिनिमम ले सकते हैं तो वन पॉइंट थ्री करोड़ के लिए तो हम मिनिमम सिक्स परसेंट ले सकते हैं ठीक है सिक्स परसेंट से कम नहीं ले सकते अगर हम प्रजमटिव इनकम में आ रहे हैं तो और थर्टी लाख ,00 के लिए एट ले लेंगे He opted for paying tax as per presumptive taxation scheme laid down in section 44AD. He has no other income during the previous year. सिर्फ यही इनकी business income है. Calculate his total income and tax liability. Total income भी निकालिए, tax liability भी निकालिए, as per normal scheme. तो as per हमें 115 BAC की तरह नहीं निकालना है, as per normal scheme की तरह निकालना है. और मुझे लगता है कि आप 115 BAC की, तरह 115 BAC की तरह भी तरह भी tax liability निकालना easily निकाल सकते हैं है इसे.

ध्यान दीजिएगा इस पर ठीक है इफ द एसेसीज हैज ऑप्टेड प्रेजेंटिव इनकम ऑफ 44 एडी ठीक है 6% और 8% वाला जैसा ये क्वेश्चन है या फिर 44 एडीए ठीक है प्रोफेशनल्स के लिए 50% वाला उस केस में एडवांस टैक्स की लायबिलिटी आती है बट सिर्फ साल में एक बार ठीक है उस उनके लिए वन एक इंस्टॉलमेंट होगी 15th मार्च की 15th मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर मतलब 2021 हमारे लिए तो फिफ्टी मार्च 2021 को तो इसका जवाब होगा यहाँ पर क्वेश्चन हमसे पूछा गया क्या उनके एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आई आएगी हमें पता है कि अगर दस हज़ार या उससे ज्यादा का टैक्स लाइबिलिटी आती है तो एडवांस टैक्स हमें देना पड़ता है बट प्रेजेंटिव इनकम वालों के लिए चार इंस्टॉलमेंट्स नहीं है दे हैव टू पे जस्ट इन वन इंस्टॉलमेंट ठीक है फिफ्टींथ मार्च को याद कर लीजिए फोर्टी फोर ए ई जो गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाले होते हैं ठीक है दस से ज्यादा व्हीकल्स नहीं है फोर्टी फोर ए में आते हैं इन लोगों के लिए एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी आ सकती है बट इनके लिए नॉर्मल चलती है चार बार फिफ्टी जून ठीक है सितंबर दिसंबर और मार्च फोर्टी ए के लिए तो नॉर्मल एडवांस टैक्स लाइबिलिटी है फोर इंस्टॉलमेंट्स में बट एडी ए के लिए एक बार होती है बस लास्ट वाला फिफ्टी मार्च को तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है तो सूरज की हम इनकम कैसे निकालेंगे थर्टी फाइव लाख के ऊपर जो कैश ट्रांजेक्शन है एट है उसके बारे में आप एक दो लाइन लिख सकते हैं कि हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स के लिए सिक्स परसेंट लेते हैं और कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए एट परसेंट मिनिमम अच्छा क्या एस एस चाहे तो इससे ज़्यादा ले सकता है ज़्यादा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कम नहीं ले सकते ठीक है ज्यादा लेने में तो फोर्टी फोर एडी में ही आप प्रिज्यूम कर सकते हैं नाइन परसेंट टेन परसेंट ट्वेल्व परसेंट बट हमें मिनिमम निकालना है तो एट परसेंट कैश ट्रांजेक्शन्स के लिए और इसके लिए इतना क्या इससे कम ले सकते हैं ले सकते हैं बट उस केस में तो हमें फिर अपने अकाउंट्स भी मेंटेन करने पड़ते हैं और फिर ऑडिट भी कराना पड़ता है ठीक है बट इतना सब क्वेश्चन ने नहीं पूछा है वो मैं सिर्फ आपको रिवाइज कराने के लिए बता रहा था तो यहाँ पर आप इनकी इनकम आ गई है तो 35 लाख ,00 का 8% परसेंट टू लाख 1 करोड़ 30 लाख का 6%, परसेंट सेवन लाख टोटल आ गया 10 लाख सिक्सटी थाउजेंड इनकी इनकम आ गई है अब 10 लाख सिक्सटी थाउजेंड के ऊपर आप टैक्स निकाल दीजिएगा ठीक है नॉर्मल इनकम से नॉर्मल स्कीम से निकालना है तो फर्स्ट 2.5 लाख पर nil नेक्स्ट 2.5 लाख पर 5% नेक्स्ट 5 लाख पर 5 लाख से लेकर 10 लाख तक 20% और 10 लाख से भी ऊपर जा रहा है इनका 60000 के ऊपर 30% आ जाएगा तो 60 10 लाख से ऊपर जितना भी था 60000 के ऊपर 30% आया 18000 तो टोटल कर, करिए ठीक है उसके बाद 4% सेस भी निकाल दीजिएगा और वन लाख थर्टी फाइव थाउजेंड से राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं ऑलरेडी राउंडेड ऑफ ही है ठीक है तो इतना हमें क्योंकि ये दस हजार या उससे ज्यादा का अमाउंट है तो एडवांस टैक्स की लाइबिलिटी भी आएगी द आंसर इज यस आएगी और वो कब डिपॉजिट करानी होगी बिकॉजी फोर ए डी में ए डी में आते हैं फोर्टी फोर ए डी ठीक है AD, इनके लिए फिफ्टी एक की इंस्टॉलमेंट होती है फिफ्टींथ मार्च यहां पर लिखा हुआ हो फी ट्वेंटी वन क्लियर हो गया चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पर आते हैं ये भी इनकम का है फोर्टी फोर एव इनकम काफी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में ठीक है एग्जाम में अक्सर इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं मिस्टर जयंत कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन वन फोर ट्वेंटी ट्वेंटी इसी साल इन्होंने बिजनेस शुरू किया है ही परचेस्ड द फॉलोइंग व्हीकल्स ड्यूरिंग दिस ईयर कंप्यूटर्स इनकम फॉर अंडर सेक्शन फोर्टी फोर एसेसमेंट इ्वेंटी वन ट्वेंटी टू के एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद होनी चाहिए कि अगर हमारे पास किसी भी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ वी हैव मोर देन टेन गुड वहीकल टेन तक अलाउड है 10 से ज्यादा है है किसी भी दिन ठीक एट एनी टाइम ड्यूरिंग द हम फोर्टी फोर ए में फिर नहीं आ पाएंगे ठीक है किसी भी दिन दस से ज्यादा नहीं जाने चाहिए तो इन्होंने परचेस करे हैं कुछ वहीकल सारी चीज परचेज सेल कुछ नहीं करा इस क्वेश्चन में परचेज किया गया है तो यहां पर तीन व्हीकल्स परचेस किए गए थे फिर वन व्हीकल फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन तक ही आ रहा है टेन से ज्यादा अगर हो जाते तो मैं मना कर देता फोर्टी फोर ए में हम इनकी इनकम कंप्यूट नहीं कर पाएंगे बट इस केस में हम कर पाएंगे दूसरी इंपॉर्टेंट बात इनकम कितनी लेनी होती है इसको याद रखिएगा पर मंथ ठीक है पर वेकल पर मंथ पर व्हीकल की हमें इनकम लेनी लेनी होती है सेवेंटी फाइव हंड्रेड रुपीज पर मंथ एक महीने की एक व्हीकल की सेवेंटी फाइव हंड्रेड पर मंथ प्रोवाइडेड वो हैवी गुड्स व्हीकल नहीं होना चाहिए ठीक है गुड्स व्हीकल व्हीकल क्या होता है 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 जिसके ग्रॉस वेट ठीक टन से से यानी कि अगर ज्यादा का है, वो हैवी गुड्स व्हीकल होता है उसके लिए हम कितना लेते हैं उसके लिए वन थाउजेंड पर टन लेते हैं फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्हीकल है फोर्टीन थाउजेंड के जी का या मैं फोर्टीन टन बोल सकता हूँ अगर ये व्हीकल है तो इसकी कितनी इनकम हो जाएगी इसकी बस इनटू वन थाउजेंड कर दीजिएगा हो जाएगी अगर कोई व्हीकल फिफ्टीन टन का है का है, उसकी कितनी इनकम हो जाएगी ठीक है हर टन को फॉर एवरी टन फिफ्टी टन हुआ 15 मतलब इंटू वन थाउजेंड कर दीजिएगा तो पंद्रह हजार रुपए पर मंथ की इनकम होती है एक व्हीकल की ठीक है ये भी बातें याद हो गई है आपको हाँ पार्ट ऑफ द मंथ है तो भी फिर आप उसको कंप्लीट मंथ ही करते हैं पार्ट ऑफ द मंथ को भी आप कंप्लीट मंथ ही कंसिडर करते हैं यानी कि अगर इनके पास फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जून में जून के एंड में कोई व्हीकल परचेज किया हम पूरे जून का ही कंप्यूट कर देंगे ठीक है सेवेंटी फाइव हंड्रेड या जो भी हैवी गुड्स व्हीकल है उसके अकॉर्डिंग क्लियर हो गए इतनी बातें हाँ यहां पर आप उसके ओनर होने चाहिए ठीक है ठीके? उस व्हीकल के आप ओनर होने चाहिए है. आपने पुट टू यूज किया है या नहीं किया उससे मतलब नहीं है यहां पर इफ यू हैव परचेज इट यू आर द ओनर ऑफ दैट व्हीकल हम आपकी इनकम कंप्यूट करना शुरू कर देते हैं देखिएगा लिखा हुआ है ग्रॉस व्हीकल वेट तो इन्होंने कुछ व्हीकल्स परचेस करे हैं 8500 फाइव हंड्रेड के जी का व्हीकल तीन व्हीकल्स परचेस किए गए हैं इलेवंथ मे ट्वेंटी ट्वेंटी को इलेवेंथ मे ट्वेंटी ट्वेंटी को यानी कि मे ऑनवर्ड्स मे पूरा काउंट हो जाएगा इस केस में तो ये तीन व्हीकल्स है ना इसकी अगर इनकम कंप्यूट करनी होगी समझ लीजिएगा बाकी तो आप बहुत आसान है आप कर लेंगे तो अगर फॉर एक्जाम्पल मैं तीन व्हीकल की कर लेता तो मान लेते हैं और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में सिर्फ ये तीन व्हीकल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होती इन तीन व्हीकल्स के लिए कितने मंथ्स आते अप्रैल नहीं आया बट मे से आप काउंट करना शुरू कर दीजिए तो मे जून जुलाई, अगस्त मार्च तक इलेवन मंथी थ्री आ जाता थर्टी थ्री और इसको सिंपल सेवेंटी फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर देता सेवेंटी क्यों क्योंकि हमारा तो तो आंसर आ जाता तो फर्स्ट वेहकल के तीन व्हीकल्स थे 9500 के वन व्हीकल था ये ये मार्च 2021 को परचेज हुआ है यानी कि ये एक महीने का ही आएगा इसमें सिर्फ मार्च के लिए बहुत इजी एक एक मेथड है है मुझे लगता है आपको भी भी आता होगा मैं बार पर रेफर चार पॉइंट्स दिए गए हैं ये लाइट गुड्स व्हीकल है ठीक है अब एक काम कीजिएगा

तो मार्च के बाद तो हम जाएंगे नहीं नेक्स्ट ईयर में तो हम मार्च तक ही रहेंगे तो ये वन मंथ्स के लिए यूज हुआ ट्वेंटी वन नाइन ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि सितंबर तो सितंबर आप पूरा ले लेंगे सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर से लेकर टोटल आ गया सात महीने आ जाएंगे सेप्टेंबर से लेकर मार्च तक और ये फोर्थ वाला क्योंकि ये लाइट गुड्स व्हीकल तो यहां तक ही थे ये हुआ ट्वेल्थ ऑफ जनवरी को जनवरी पूरा हो जाएगा फेबर और मार्च तो यहां पे थ्री मंथ्स के लिए ये आ गया अब आप क्या कीजिए इसको नंबर ऑफ व्हीकल्स को और इनके मंथ्स को मल्टीप्लाई करिए तो यहां से हमें मिलता है थ्री और इलेवन को मल्टीप्लाई करा तो थर्टी थ्री आ गया वन इंटू वन 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 इंटू सेवन सेवन टू इंटू थ्री सिक्स ठीक है प्रेजेंटेशन में भी आपको शो भी कर दूंगा बट एक बार समझ लीजिएगा इस तरीके से करते हैं आप लोग अब इसको ऐड कर दीजिए थर्टी थ्री प्लस वन प्लस सेवन प्लस सिक्स टोटल करेंगे तो थर्टी थ्री सेवन फोर्टी फोर्टी सेवन आ गया ठीक है फोर्टी सेवन आ गया तो टोटल सीधा सेवेंटी फाइव हंड्रेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनकम आ जाएगी ठीक है बहुत होता है ये करना तो 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 लाइट गुड्स व्हीकल की इनकम आ जाएगी सिमिलरली अब आप हेवी गुड्स व्हीकल के निकाल दीजिए बट हेवी गुड्स व्हीकल में ध्यान रखिएगा Uh, कि अगर आपके ये व्हीकल वेट ट्वेल्थ थाउजेंड से ऊपर तो हैवी गुड्स व्हीकल ही होते हैं तो यहां पर तो फिफ्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड सेम था तो आप दोनों को ऐड कर सकते हैं बट अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फिफ्टीन थाउजेंड वाला होता यहां या यहाँ पर फोर्टीन थाउजेंड या थर्टीन थाउजेंड वाला होता तो अकॉर्डिंगली आप लोग कैलकुलेट करना तो यहां पर थोड़ा इजी है ये कैलकुलेट करना ये कितने मंथ्स के लिए आया ये जुलाई ऑनवर्ड्स आ गया तो अप्रैल में जून नहीं था ये नाइन आ गया ये कितना गया? ये 3 आ गया ये थ्री मंथ्स आएगा जनवरी फरवरी मार्च थ्री वन इंटू नाइन नाइन आएगा टू इंटू थ्री सिक्स आएगा तो नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन आ गया टोटल और मैं टोटल को फिफ्टीन थाउजेंड से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्योंकि ये दोनों व्हीकल्स फिफ्टी टन वाले थे फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन थाउजेंड कर दीजिएगा तो लाइट गुड्स व्हीकल की इनकम ठीक है मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन भी करी हुई है देख लीजिए नंबर ऑफ व्हीकल्स तो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था बट हमने सिर्फ मंथ्स कैलकुलेट करे तो हैवी गुड्स व्हीकल का 15 आया और टोटल और लाइट गुड्स व्हीकल का 47 था अभी हमने कंप्यूट भी किया था तो इस 15 को 15,000 से मल्टीप्लाई कीजिएगा क्योंकि 15 टन्स वाले थे ये और इस 47,000 सेवन थाउजेंड तो ये दो नॉट देवर नॉट व्हीकल तो इसके लिए 7,500 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा दोनों आपकी इनकम आ जाएंगी ठीक है यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है फोर्टी सेवन इंटू और जो फिफ्टीन वाला आया था उसको फिफ्टीन से क्योंकि हर टर्न के लिए हम वन लेते हैं आगे कुछ और भी क्वेश्चन में था वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स व्हीकल परचेज इन जनवरी ट्वेंटी वन वर पुट टू यूज ओनली इन जुलाई ट्वेंटी वन ठीक है पुट टू यूज से यहाँ पर मतलब नहीं होता फोर्टी फोर ए में याद कर लीजिए इफ यू आर द ओनर ऑफ द दीज व्हीकल्स तो तभी से हम लोग कैलकुलेट करना शुरू कर देते हैं तो देयर विल बी नो चेंज ठीक है तो यहाँ पर आपका आंसर दिया गया है तो पहले मैंने आपको सिर्फ यहाँ पर कंसर्प्ट बताना था कि हेवी गुड्स व्हीकल के लिए कितनी वैल्यू लेते हैं और लाइट गुड्स व्हीकल के लिए या नॉन हैवी गुड्स व्हीकल के लिए सेवेंटी फाइव हंड्रेड लेते हैं तो आई बिलीव ये तो आप आराम से कर लेंगे कम टू क्वेश्चन नंबर फोर अगेन एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन नंबर फोर ये कहते हैं मिस्टर जे एज फिफ्टी एट ईयर्स रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्निश यू द एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी पर हमें रेसेट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है Uh, थोड़ी सी स्पीड में बढ़ा लेता हूँ ठीक है क्योंकि इट्स अ क्विक रिवेशन मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी ये कम्प्लीट करें हम अपना पी तो हमें रेसेट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है इसको हम हम कैसे अप्रोच करते हैं अगर हमें पी की इनकम निकालनी है तो हम ये देखते हैं कि रिसिट साइड में कौन कौन सा बिजनेस रिलेटेड रिसिट्स है अगर वो हमारी बिजनेस रिलेटेड रेसेट हैं सेक्शन 28 एट चार्जिंग सेक्शन उनको अट्रैक्ट करता है तो हमारी इनकम बन जाती है सिमिलरली पेमेंट की साइड में हम अपने एक्सपेंसिज देखते हैं कि क्या वो हमारे एक्सपेंसिज बिजनेस के थे जो सेक्शन से लेकर थर्टी सेवन तक क्या ये ऐसे एक्सपेंसेस थे जो पीजीबी में अलाउ होते हैं अगर वो अलाउ होते हैं तो आप उनको को तो यहां से आप अपनी ले तो तो कोई इनकम नहीं होती ना तो अगर दिस पर्सन इज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट तो इनकी जो इनकी फीस रिसिट्स वगैरह आएगी वो इनकी इनकम होगी ठीक है वो एक तरीके से इनका ग्रॉस से सेल्स है तो एटी थाउजेंड को तो नहीं लेना फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विसेस हाँ फोर्टी नाइन लैख सिक्सटी थाउजेंड का हमारी इनकम है ठीक है ये हमारी एक तरीके से ग्रॉस रेसेट्स है इसमें से आप एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं ठीक है एक बार तीसरा वाली इनकमिंग इनफ्लो in भी देख लेते हैं मोटर कार लोन लिया गया अब देखिए लोन लेना इज नॉट पीछे इनकम निकालूंगा तो मैं एटी थाउजेंड ओपनिंग कैश को नहीं लूंगा लोन लेना ठीक है लोन बोरो करना या रीपे करना इट्स नॉट एन इनकम या नॉट एन एक्सपेंस बट हाँ फोर्टी नाइन लैखी थाउजेंड दिस इज इनकम ठीक है तो इस इनकम में से आप देखेंगे कि आप कौन कौन से एक्सपेंसेस माइनस कर सकते हैं जो आपके बिजनेस रिलेटेड प्रोफेशन रिलेटेड एक्सपेंसेस थे तो यह अलाउड तो होता है सैलरी बोनस सेक्शन थर्टी सेवन वन में आता है अलाउड होता है सेक्शन याद नहीं है तो इट्स ओके अंडरस्टैंड की सैलरी वगैरह अलाउड होती है ठीक है अदर जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस अलाउड होते हैं बिजनेस एक्सपेंस मतलब 49.6 लाख में से ये सारी चीजें माइनस कर सकते हैं आप ऑफिस का रेंट अलाउड होता है जनरली अभी हम इंफॉर्मेशन देख लेंगे बट ऑन द प्राइम ही मैं बोल रहा हूँ कि हाँ ऑफिस का रेंट भी अलाउड होता है अगर आपको याद है सेक्शन थर्टी में थ्री जीरो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अब यहां पर ध्यान दीजिए यहां पर स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं अब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को कहते हैं हाँ जी अलाउड है सर ये एक्सपेंस है अरे ये एक्सपेंस थोड़ी है दिस इज एन इन्वेस्टमेंट और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने अपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम दी है तो एक तरीके से आप अपनी इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हैं ठीक है इसकी तो एट्टी सी में डिडक्शन मिलेगी इसकी तो एट्टी सी में डिडक्शन मिलेगी दिस इज नॉट योर बिजनेस एक्सपेंस ये आपका बिजनेस एक्सपेंस नहीं है तो फोर्टी नाइन थाउजेंड रुपीज़ की आपका ये बिजनेस एक्सपेंस नहीं माना जाएगा तो वेल यू कैलकुलेट योर पीजीबीपी प्लीज इसको छोड़ दीजिएगा इसको छो, छोड़ दीजिएगा आप स्टाफ की सैलरी ले सकते हैं हाँ आगे कोई इंफॉर्मेशन अगर इसके बारे में होगी कि कैश में पे कर दी या कुछ और प्रॉब्लम है तब वो अलग बात है बट फोर्टी नाइन पॉइंट सिक्स लाख ही आपकी ग्रॉस एसेट्स है इसमें से ये एक्सपेंस ये एक्सपेंस ये एक्सपेंस मुझे ठीक लग रहा है बट दिस एक्सपेंस ठीक है दिस इज एक्चुअली नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस इसकी ए तो टी में डिडक्शन मिलेगी तो इसको नहीं लेना आपको तो सिर्फ सिंपल रिसिट्स एंड पेमेंट अगर दिया हुआ है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है बहुत ईजी होता है सिर्फ ये देख लीजिए कि बिजनेस रिलेटेड कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हो रही हैं अब मोटर कार एक्वायर की गई अब देखो मोटर कार एक्वायर की गई इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर आप 9.5 लाख को तो एक्सपेंस नहीं मान सकते ना हा इसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन आएगा वो अलाउड हो सकता है तो यहां पर मोटर कार अब देखो डेप्रिसिएशन तो आपको रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं देंगे ना बिकॉज रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज नथिंग बट अ कैश अकाउंट होते कैश अकाउंट होता है तो डेप्रीसिएशन इज अ नॉन कैश आइटम तो डेप्रिसिएशन अब आपको याद रखना है ये बात है कि इसके ऊपर हम मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है एक्सप्रेस सेक्शन थर्टी टू अब मोटर कार हमने एक्वायर करी गई जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन में बाय वे ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ठीक है ये अच्छी बात है ऑनलाइन पेमेंट अगर कैश में पे की होती तो हम इसको हम अलाउ ही नहीं करते एक्सपेंस को तो नाइन पॉइंट फाइव लाख की आपकी कार थी इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको अलाउ नहीं कीजिएगा पर इसके ऊपर डेप्रिशिएशन आएगा अब मोटर कार के ऊपर यू अंडरस्टैंड 15 परसेंट ये कोई हायर बिजनेस वगैरह तो है नहीं तो नॉर्मल प्लांट मशीनरी का रेट लगता है 15 परसेंट बट सेंस इट वाज एक्वायर्ड इन जनवरी 2021 तो 15 परसेंट का हाफ ले लीजिएगा ठीक है 50 परसेंट कर लीजिएगा 180 डेज से ज्यादा तो ये है नहीं ठीक है क्लियर हो गया तो इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे बुक्स परचेज किए हैं ठीक है बुक्स इज एन असेट ठीक है फॉर अ प्रोफेशनल इट्स एन असेट तो अगर आपने बुक्स परचेज की है बाय वे ऑफ अकाउंट पे चेक ये भी अच्छी बात है अकाउंट पे चेक से आपने की है मई जून जुलाई सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी का एनुअल पब्लिकेशन इसके ऊपर क्या इसको एक्सपेंस मान ले नहीं इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन लगेगा 40 परसेंट का तो इसके ऊपर भी आप डेप्रीसिएशन लगाएंगे मोटर कार के ऊपर फिफ्टीन का हाफ और एटी के ऊपर फोर्टी का का लगाएंगे कंप्यूटर एक्वायर किया गया वन इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी को पेमेंट मेड बाय अकाउंट पे चेक अब कंप्यूटर भी आपके प्रोफेशनल यूज का था क्या फिफ्टी आपका एक्सपेंस है नहीं फिफ्टी थाउजें कैपिटल एक्सपेंडिचर इसका जो डेप्रिसिएशन आएगा फोर्टी परसेंट आएगा और क्योंकि वन इलेवन ट्वेंटी ट्वेंटी हुआ नवंबर ऑनवर्ड्स वन एटी डेज से कमाने वाले हैं इस केस में तो हाफ कर लीजिएगा इसके ऊपर तो फोर्टी परसेंट का हाफ कर लीजिएगा डोमेस्टिक ड्रॉइंग्स क्या ड्रॉइंग एक्सपेंस है यहां पर बिजनेस एक्सपेंस है ड्राइंग no. को कंसिडर मत कीजिएगा वाइल कैलकुलेटिंग योर पीची बीपी तो सिंपल मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं मैं सिर्फ अपने इस रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में से ये देख रहा हूं कि मेरे बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कौन कौन सी हैं तो अगर वो मेरी इनकम का नेचर का है तो वो मेरी इनकम बनेगी उसमें से हम एक्सपेंसिस माइनस करेंगे जो आप थर्टी से लेकर थर्टी में आप जानते हैं जो एक्सपेंसिस अलाउड है मोटरकार मेंटेनेंस अगर आपने प्रोफेशनल यूज के लिए मोटर कार खरीदी थी उसका मेंटेनेंस दिया ऑब्वियसली अलाउड है पर्सनल नेचर के लिए अगर होगी तब तो अलाउ नहीं करेंगे पब्लिक प्रोविडेंट फंड का सब्सक्रिप्शन लिया अभी मुझे बताइए पीपीएफ में अगर आपने पैसा डिपॉजिट करा इट्स एन इन्वेस्टमेंट इट्स नॉट एक्सपेंस एंड नीदर इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस नॉर इट इज अ बिजनेस एक्सपेंस दिस इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस तो 1.5 लाख इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस क्या है ये इसकी तो सर एटी सी में डिडक्शन मिलेगी तो अगर हमें टोटल इनकम निकालनी होगी अगर हम बीजेपी इनकम निकालेंगे तो बाद में हम इसकी वन लाख की और दूसरा जो हमने एल का पे करा फोर्टी तो इसकी हम डिडक्शन ले सकते हैं एट्टी सी में अच्छा एट्टी सी की बातें भी थोड़ी सी आप डिस्कस कर लेते हैं अगर आ, आ गई है तो यहां पर लाइफ इंश्योरेंस फ्री में अलाउड है वहां पर बट कितना सम ए शॉर्ट का टेन परसेंट अगर वन फोर टू थाउजेंड ट्वेल्व से पुरानी पॉलिसी है तो ट्वेंटी परसेंट वो आप जानते हैं बट जनरली टेन परसेंट ठीक है तो फाइव लाख का टेन परसेंट फिफ्टी थाउजेंड होता है बट फोर्टी नाइन थाउजेंड पे करें इसका मतलब अलाउड है दूसरी बात एट्टी सी में मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है वो वन फिफ्टी लाख वन पॉइंट फाइव लाख यानी कि वन लाख फिफ्टी थाउजेंड की ही मिलती है फोर्टी नाइन थाउजेंड तो एल आईसी की मिल जाएगी आपको पीपीएफ की मिलेगी वन फिफ्टी टोटल तो वन फिफ्टी से ऊपर हो गया हो गया तो एट्टी सी में जो मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगी तो वन पॉइंट फाइव लाख की मिलने वाली है अदर इंफॉर्मेशन भी देख लेते हैं मोटर कार वॉज यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल अब देखो यहां पर वन फिफ्थ कार पर्सनल यूज के लिए यूज हुई है तो अगर वन मोटर कार पर्सनल यूज के लिए यूज हुई है तो सर जितना भी हमें मोटर कार का एक्सपेंस दिया दिया हुआ था मोटर कार का मेंटेनेंस हम इसमें से वन फिफ अलाउ नहीं करेंगे सिर्फ फोर बाय फाइव ठीक है इतना ही अलाउ करेंगे फोर बाय फिफ्थ अलाउ करेंगे दूसरा जो मोटर कार के ऊपर जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट करेंगे ठीक है नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड का फिफ्टीन परसेंट उसका भी हाफ करेंगे क्योंकि ये वन एटी डेज से कम है ठीक है बट उसका भी आप फिर वन फिफ्थ मत लीजिएगा फोर फिफ्थ ही लीजिएगा आगे लिखा हुआ है नो इंटरेस्ट ऑन कार लोन वॉज पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी वन अब यहां पर भी देखिए एक छोटी सी लाइन है बट इंपॉर्टेंट लाइन है आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया ठीक है आपने इंटरेस्ट पे नहीं किया आईसीआईसी बैंक से आपने ये लोन लिया था इसके ऊपर इंटरेस्ट पे नहीं किया ठीक है इन द प्रीवियस ईयर तो क्या ये इंटरेस्ट अलाउड होता है या नहीं होता है अब हम लोग ये जानते हैं कि अगर एस एस सी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है ठीक है जनरली जब रिसेप्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया होता है ना जनरली ज्यादातर ये देखा गया है वो कैश सिस्टम फॉलो करता है अगर वो कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहा है उस केस में तो फिर हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट पे नहीं हुआ फिर तो हम सिर्फ वही खर्चे एक्सपेंस अलाउ करते हैं विच आर एक्चुअली पेड ड्यूरिंग द ईयर ठीक है दूसरा बात अगर वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है अगर वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है इन केस ठीक है और जनरली हम ये मानते हैं कि वो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है तो उस केस में हम इंटरेस्ट अलाउ कर देते हैं तो आंसर इज केस से ड्यू बेसिस पे अलाउड हो जाते हैं बट अगेन एक सेक्शन आ जाता है 43 थ्री बी फोर्टी थ्री बी एक्सपेंस अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट फोर्टी थ्री बी ये कहता है कि किसी भी तरह का टैक्स किसी भी तरह का बोनस टू योर एम्प्लॉयज बोनस या कमीशन टू इंप्लॉयज किसी भी तरह का इंटरेस्ट टू एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक आप अलाउ कर सकते हैं बट अगर वो ड्यू डेट तक पे हो गया हो और यहां पर साफ साफ लिखा गया था कि आईसीआईसी बैंक से हमने लोन लिया है और अगर आपने पे नहीं किया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैं मान लेता हूं ड्यू डेट तक भी पे नहीं हुआ अगर ये तो फिर ये उस केस में भी अलाउड नहीं होगा अगर ये मर्केंटाइल सिस्टम भी होता है तो अच्छा देखिए नीचे एक बात लिखिए ही फॉलोज कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो कैश सिस्टम अकाउंटिंग तो सिंपल क्लियर कट ही कर दिया फिर तो हम इंटरेस्ट अलाउ नहीं करेंगे ठीक है इंटरेस्ट इसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आ रहा है फाइव लाख ,00 के ऊपर ट्वेल्व परसेंट वो भी जनवरी ऑनवर्ड्स वो इस साल अलाउ नहीं होगा क्यों पे नहीं हुआ है और ऐसे ऐसे कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात दी, बात दी गई है ही अर्न 1.2 लाख इन शेयर स्पेकुलेशन बिजनेस एंड लॉस्ट 1.8 लाख इन कमोडिटी स्पेकुलेशन बिजनेस अब ये तो स्पेकुलेटिव बिजनेस आ गया अब हम लोगों को इतनी बात भी याद आ गई होगी कि हम अपना नॉर्मल बिजनेस और अपना स्पेक्युलेटिव बिजनेस को अलग अलग रखते हैं क्यों क्योंकि अगर नॉर्मल बिजनेस में लॉसेज आ जाते हैं तो वो अगले एट ईयर से कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं बट स्पैकुलेटिव बिजनेस में अगर लॉस आ जाते हैं तो फिर वो चार साल तक ही आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकते हैं ठीक है दूसरी बात स्पेकुलेटिव बिजनेस के लॉसेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से ही सेट ऑफ हो सकते हैं तो यहां पर एक स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम आ गई है वन लाख और उसी का एक लॉस है 1.8 लाख स्पेकुलेटिव का ही तो स्पेकुलेटिव का लॉस जो है 1.8 लाख तो पूरा सेट ऑफ तो नहीं हो पाएगा पर 1.2 तक कर देंगे तो 1.2 की हमारी इनकम है इसमें से 180 में से 1.2 का ही लॉस हम सेट ऑफ कर देंगे तो स्पेक्यूलेटिव से इनकम आएगी इस साल और 60,000 जो हम सेट ऑफ नहीं कर पाए क्या वो हम अपने दूसरे बिजनेस से कर सकते हैं द आंसर इज नो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही हो सकता है तो 60,000 का बाकी अगले चार साल तक हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं ठीक है कंप्यूट द टोटल इनकम तो मुझे लगता है कि आप आराम से इसको कर पाएंगे एक बार देख लीजिए प्रेजेंटेशन ठीक है फीस प्रॉफिट पीजीपी कैसे निकालेंगे नेट प्रॉफिट एस व पी एन अकाउंट यहाँ पी एन अकाउंट नहीं है ठीक है तो हम देखते हैं कि हमारे रिसेट्स में कौन सी कौन सी इनकम आ रही है और हमारी पेमेंट की साइड कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो एक्चुअली पेमेंट की साइड नहीं दिए गए हैं बट इंडायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है जैसे डेप्रिसिएशन यहाँ पर दिया गया था तो फोर्टी नाइन हमारी इनकम आ गई इसमें से स्टाफ सैलरी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस ऑफिस एक्सपेंसिस अलाउ करे बट मोटर कार मेंटेनेंस का सिर्फ फोर किया क्योंकि वन फिफ्थ पर्सनल था ठीक है कार लोन का इंटरेस्ट माइनस नहीं होगा ठीक है वहां पे जीरो लिखा हुआ है तो टोटल एक्सपेंसेस आप इतने माइनस कर सकते हैं प्लस उसके बाद डेप्रीसिएशन भी आपको निकालना पड़ेगा ठीक है मोटर कार के ऊपर बुक्स के ऊपर कंप्यूटर्स के ऊपर डेप्रिसिएशन एक बार यहां पर देख लीजिएगा मैं डिस्कस कर चुका हूं तो इसको माइनस करने के बाद पीजीवी की इनकम आ जाती है सेवन लाख फाइव थाउजेंड ठीक है ये एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट आई है अच्छा मुझे बताइए बिकॉज ही इज अ प्रोफेशनल ठीक uh, है ही अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं कंपनी सेक्रेटरी होते फोर्टी फोर ए डी ए में फोर्टी फोर ए डी ए में प्रजमटिव इनकम भी ले सकते थे हाँ सर ले सकते हैं कि अगर हमारा टर्न ओवर फिफ्टी लाख को क्रॉस नहीं करता ये बात भी यहां पर लिखी हुई है मैंने कि फोर्टी फोर ए डी ए भी ले सकते थे अगर इनका टर्न ओवर फिफ्टी लाख से क्रॉस नहीं करता है अब देखते हैं इनका टर्न ओवर कितना था 49.6 था 50 लाख से ऊपर नहीं ऑप्ट तो मतलब कर सकते हैं।, उस केस में ये करते हैं तो इसका 50 परसेंट जितना भी हमारी प्रेजिव इनकम बना देंगे अब 49 नाइन लाख सिक्सेंड का 50 परसेंट अगर मैं देखता हूँ फोर्टी नाइन का फिफ्टी तो लगभग ट्वेंटी लाख एटी की इनकम बन जाती है एस ए प्रेजमटिव स्कीम बट क्योंकि यहां पर इनकी एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट तो काफी कम इनकम हुई है तो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि आप एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट ही अपनी इनकम रखें प्रेजमटिव इनकम के लिए ना जाए बट येस क्योंकि अभी प्रेजमटिव इनकम के लिए नहीं जा रहे हैं और इनकी इनकम भी बेसिक एक्शन लिमिट से ज्यादा की है इनको अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाने पड़ेंगे ऑडिट भी कराना पड़ेगा ठीक है ऑडिट भी कराना पड़ेगा क्योंकि ये 50 परसेंट से भी कम इनकम शो कर रहे हैं तो ये बात सारी मैंने यहां पर लिखी है ठीक है तो याद आ गया आपको फोर्टी फोर डबल ए बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी बनाने होंगे फोर्टी फोर ए बी में ऑडिट भी कराना पड़ेगा ठीक है सर ऑडिट में लिखा था सर अगर पचास लाख से ऊपर इनका टर्न ओवर नहीं होता तो ऑडिट की जरूरत नहीं है बट ऑडिट फोटी फोर ए बी में ये भी बातें लिखी होती हैं कि अगर आप प्रिजर्मटिव इनकम वाले सेक्शंस भी आपके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं और आप अपनी इनकम उससे भी कम बोल रहे हैं तो आपको ऑडिट भी कराना पड़ेगा ठीक है और स्पेकुलेशन बिजनेस से तो 120 की इनकम आई थी 180 का लॉस था उसमें से 120 तो

एक और क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूंगा इनकोट हो गई फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टायर्स एंड ट्यूब्स इन राजस्थान मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसका मतलब प्लांटर मशीनरी पर एडिशनल डेप्रीसिएशन भी मिल सकता है अगर वो नई हैं फैक्ट्री में इंस्टॉल की गई हैं

टेन करोड़ के ऊपर डेप्रीसिएशन लगा देंगे आप लोग नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो आएगा ही और एडिशनल डेप्रीसिएशन भी आ जाएगा अगर ये न्यू प्लाट मशीनरी है एलिजिबल प्लांट मशीनरी है तो द सेट प्लान मशीनरी इंक्लूड सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी बॉट फॉर रुपीज वन करोड़ अब देखिए जो सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी यहां पर परचेज की गई है उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन तो नहीं मिलेगा बट हाउ उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो मिल जाएगा ठीक है यानी कि टेन करोड़ में से वन करोड़ के ऊपर एडिशनल तो नहीं मिलने वाला और आगे बात दी गई है एंड न्यू प्लान मशीनरी फॉर साइंटिफिक रिसर्च रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एसएससी एक्वायर्ड एट कॉस्ट ऑफ वन करोड़ सेक्शन थर्टी फाइव भी आ गया है यहां पर यानी साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी आपने वन करोड़ की मशीन खरीदी है इसका मतलब टोटल जो हमने टेन करोड़ की मशीन खरीदी है इसमें से एक करोड़ तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए उसके ऊपर आप तो कैलकुलेट करेंगे नहीं उसके ऊपर तो आप डिडक्शन ले लेंगे क्लियर हो गया नॉर्मल मिल जाएगा कि इसके ऊपर नहीं इसके ऊपर तो सेक्शन थर्टी साइंटिफिक रिसर्च इन हाउस रिसर्च हुई हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगी ठीक है लैंड होता तो नहीं मिलती बट तो मशीन रहे हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाएगी डेप्रीसिएशन नाइन करोड़ के ऊपर लगेगा ठीक है इसमें से भी वन करोड़ सेकेंड हैंड मशीन है सेकेंड हैंड मशीन है इसमें से भी यानी कि नाइन करोड़ के ऊपर मिलेगा नॉर्मल डेप्रीसिएशन और नाइन में से एक करोड़ जो सेकेंड हैंड है उसको हटा दीजिए एट करोड़ के ऊपर मिल जाएगा एडिशनल भी मिल जाएगा ठीक है सब लोग समझ रहे हैं तो सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूं साइंटिफिक रिसर्च को तो हटा दीजिएगा उसके ऊपर तो डेप्रीसिएट मिलेगा नहीं और जो सेकेंड हैंड मशीन है उसके ऊपर नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा एडिशनल नहीं मिल पाएगा ठीक है आउट ऑफ द सेट प्लांट मशीनरी न्यू प्लांट मशीनरी एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ टू करोड़ ट्वेल्व ट्वेंटी ट्वेंटी अब देखो सबसे पहले दस करोड़ की मशीन थी इसमें से एक करोड़ जो सेक्शन थर्टी फाइव में साइंटिफिक रिसर्च वाला आएगा उसको हटा दीजिएगा हमारे पास आया नाइन करोड तो नाइन करोड़ की मशीन इज एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन थर्टी टू थर्टी टू में इसके ऊपर डेप्रीसिएशन मिलेगा अब वी अंडरस्टैंड एक तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन भी मिलेगा और एडिशनल भी मिलेगा एडिशनल <coughs> मिलेगा एट करोड़ की मशीन के ऊपर और नॉर्मल मिलेगा नाइन करोड़ पूरा नाइन करोड़ पूरा उसमें सेकंड हैंड भी थी नॉर्मल तो मिल जाएगा बट एडिशनल आप सिर्फ एट करोड़ के ऊपर लगाइएगा अब एक और इन्होंने बात बोली कि जो एडिशनल आप डेप्रिशन लगा रहे हैं नई प्लांट मशीनरी के ऊपर उसमें से दो करोड़ ऐसी है कि जो हमने दिसंबर में यूज़ करना शुरू किया था तो यानी कि इसमें से एट करोड़ का जो एडिशनल एप्रीसिएशन है इसके ऊपर पूरा आप ट्वेंटी परसेंट नहीं लगाएंगे उसमें से दो करोड़ के ऊपर आप हाफ लगाएंगे यानी टेन परसेंट एप्रीसिएशन तो एडिशनल एप्रीसिएशन एट करोड़ के ऊपर आएगा बट सिक्स करोड़ के ऊपर तो आप ट्वेंटी चार्ज कर सकते हैं और टू करोड़ के ऊपर टेन चार्ज कीजिएगा और बाकी का जो दो करोड़ के ऊपर टेन बाकी का हम चार्ज नहीं कर पाए इस साल वो नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं ठीक है नॉर्मल डेप्रिसिएशन मैं बता देता हूँ नाइन करोड़ के ऊपर नॉर्मल डेप्रीसीन लगेगा बट उसमें से दो करोड़ की ऐसी मशीन है जो वन एटी डेज से कम यूज हुई है तो इसके ऊपर हाफ लगेगा सेवन करोड़ के ऊपर तो फुल लग जाएगा फिफ्टीन परसेंट लगा दीजिएगा टू करोड़ के ऊपर फिफ्टीन परसेंट का हाफ यानी कि सेवन पॉइंट फाइव परसेंट लगेगा ठीक है याद आ गए हैं बातें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन के बारे में भी क्स्ट इयर का एक्चुअली इसलिए आपको याद रहे जो आपकी जो नई मशीन थी वन एट्टी डेज से जो कम यूज हुई थी उसके ऊपर एडिशन डेप्रीसिएशन इस साल तो हम टेन परसेंट ही लगा पाए बाकी का टेन परसेंट नेक्स्ट ईयर भी जाएगा ठीक है तो आप इसको कैसे करेंगे

डेज से कम था तो उसके ऊपर टेंट और सिक्स करोड़ के ऊपर ट्वेंटी परसेंट और बाकी का ये जो टेन परसेंट नहीं ले पाए वो नेक्स्ट ईयर ले लीजिएगा ठीक है तो इस तरीके से कंप्यूट किया गया नॉर्मल नॉर्मलिए पहले निकाला फिर एडिशनल डेप्रीसिएशन कैसे करेंगे टेन में से वन करोड़ साइंटिफिक रिसर्च का हटा दीजिए सेकंड हैंड हटा दीजिए तो एट करोड़ के ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा एलिजिबल फॉर एडिशनल इसमें से भी छह करोड़ के ऊपर ट्वेंटी परसेंट और बाकी के दो करोड़ के ऊपर टेन परसेंट ठीक है क्लियर हो गया तो इस साल का डेप्रिसिएशन एडिशनल इतना आया नॉर्मल भी आया था टोटल डेप्रीशन आप लोग बता सकते हैं टू पॉइंट सिक्स करोड़ आया नेक्स्ट ईयर के लिए हमारी वैल्यू बची है सिक्स पॉइंट फोर करोड़ सिक्स पॉइंट फोर करोड़ कैसे टेन माइनस टू पॉइंट सिक्स टेन नहीं एक करोड़ तो साइंटिफिक रिसर्च के तो अलग ही हो गए थे यानी कि नाइन माइनस टू पॉइंट सिक्स तो सिक्स पॉइंट फोर करोड़ की वैल्यू आ गई फॉर नेक्स्ट ईयर इसके ऊपर आप डेप्रिसिएटन लगाएंगे नेक्स्ट ईयर सिक्स पॉइंट फोर के ऊपर तो फिफ्टीन परसेंट नॉर्मल लगेगा एडिशनल मिलेगा क्या हाँ सर एक पुराना वाला जो एडिशनल टेन परसेंट नहीं ले पाए थे दो करोड़ के ऊपर वो और ले लीजिएगा तो सिक्स पॉइंट फोर करोड़ के ऊपर फिफ्टीन परसेंट और पुराना दो करोड़ का जो टेन परसेंट रिमेनिंग था वो आ जाएगा तो ये डेप्रिसिएशन आपका नेक्स्ट ईयर आ जाएगा सो so, उसके बाद आपकी वैल्यू फाइव पॉइंट टू फोर करोड़ बचेगी क्लियर है तो आई बिलीव ये बातें आप लोग समझ में आ गई होंगी हमने मैक्सिमम कंसेप्ट इसके डिस्कस करें हैं पीजी बी पी के बट फिर भी कुछ और भी कंसेप्ट जो आपको ध्यान में रखने चाहिए जैसे कि चार्जिंग सेक्शन ठीक है चार्जिंग सेक्शन सेक्शन ट्वेंटी एट मैं एक बार आपको चार्ट से शो कर देता हूं कुछ और आ, दो तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पीजीबीपी के लिए आने चाहिए ठीक है ऑल दो पूरा पीजीबी इंपॉर्टेंट होता है बट स्टिल अगर एकदम लास्ट टाइम रिविजन के लिए तो कुछ चीजें आनी चाहिए काफी चीजें मैंने डिस्कस करी है इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू सेक्शन ट्वेंटी एट चार्जिंग सेक्शन आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी इनकम हमारी पी की इनकम बनती है कोई किसी भी तरह का बिजनेस या प्रोफेशन हो अगर आपको अपने क्लाइंट से ठीक है या कस्टमर से गिफ्ट मिल जाते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ बिजनेस नॉन कॉम्पिटिंग फीस की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा अगर बिजनेस को मिलता है तो चार्जिंग सेक्शन आपको पता होना चाहिए दूसरा आपको ना पावर जनरेटिंग के बारे में भी पता होना चाहिए कि पावर जनरेटिंग वाले एसेट्स के ऊपर एसएलएम बेसिस ऑफ डेप्रिसिएशन भी अलाउड होता है और अगर वो पावर जनरेटिंग एसेट बेचा जाए तो कैसे ट्रीटमेंट करेंगे तो पावर जनरेटिंग वाला आप देख लीजिएगा और सेक्शन 35 एडी 35 एडी स्पेसिफाइड बिजनेस का वो 14 टाइप्स ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस स्पेसिफाइड बिजनेस ठीक है इसके ऊपर हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाती है गुडविल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स और लैंड के, के अलावा बाकी कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर आप करें तो आपकी हंड्रेड परसेंट डिडक्शन मिल जाती है तो कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस था एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी थी शुगर के लिए वेयर हाउसिंग फैसिलिटी थी होटल था टू स्टार और अबव कैटेगरी हंड्रेड बेड या उससे ज्यादा का हॉस्पिटल्स वगैरह तो वो सारी बातें आपको थर्टी फाइव की बता होनी चाहिए फोर्टी स्मॉल ए ठीक है टीडीएस डिडक्ट नहीं करा है और आपने पेमेंट कर दी ठीक है अगर आउटसाइड इंडिया पेमेंट कर कर दिया नॉन रेसिडेंट को कर दी हंड्रेड परसेंट डिसअलाउ कर देते थे या फिर अगर अगर टीडीएस के प्रोविजन लगते थे रेसिडेंट्स को पेमेंट करिए विद इन इंडिया थर्टी परसेंट डिस होता था फोर्टी स्मॉल ए वाली बातें याद रखनी चाहिए फोर्टी ए टू ठीक है रिलेटेड पार्टी को पेमेंट कर दिया तो फेयर मार्केट वैल्यू से ज्यादा कीमत खींचेगा फोर्टी ए थ्री कैश पेमेंट टेन थाउजेंड रुपीज से ज्यादा की अलाउड नहीं है ठीक है ट्रांसपोर्ट वगैरह के अगर आपने फैसिलिटी ली है तो थर्टी फाइव थाउजेंड अलाउड है उसकी एक्सेप्शन की कब कब पेमेंट आप कैश पेमेंट टेन थाउजेंड से भी ज्यादा कर सकते हैं वो पता होना चाहिए आपको एग्रीकल्चर इनकम एग्रीकल्चर इनकम वो याद कर लीजिएगा टेबल कि टी का कॉफी का या रबर का कितना परसेंट एग्रीकल्चर माना जाता है कितना परसेंट बिजनेस माना चाहता है अगर मैं आपको शो करूँ बुक में इनफैक्ट चार्ट बुक का अगर आप रिविजन करना चाहें तो वी हैव ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड बैक वीडियो फॉर चार्ट रिविजन मैं उसका लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा इन केस अगर आप चार्ट रिविजन करना चाहते हैं पी पी का मैं इसकी बातें कर रहा था कि रबर कितना बिजनेस और कितना एग्रीकल्चर माना जाता था कॉफ़ी ग्रो क्योर है या फिर क्योर ग्राउंडेड एंड रोस्टेड है तो कितना माना जाता है टी के लिए कितना माना जाता है तो यू शुड नो दिस परसेंटेज ठीक है तो आई बिलीव हम लोगों ने रिवाइज कर लिया है काफ़ी कुछ पीजीबीपी में ऑल दो बहुत बड़ा चैप्टर है बट फिर भी मैंने कोशिश करी है कि मैं आपके साथ मेन चीज़ें डिस्कस कर कर सकूँ नेक्स्ट क्लास में हम लोग कैपिटल गेन करेंगे फिर मैं सोच रहा था जैसे मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले डिडक्शंस और टीडीएस टीसीएस कर लेंगे उसके बाद कम टू जीएसटी पोर्शन आल्सो ठीक है थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर